जनता पार्टी एमसीडी में है। 17 साल में बीजेपी ने एमसीडी में इतना भ्रष्टाचार किया कि स्थिति ये हो गई कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं रही एमसीडी, पूरी की पूरी एमसीडी कंगाल हो गई। पूरी दिल्ली की जनता ये मांग कर रही थी कि भाई चुनाव कराइए, चुनाव के बाद जो भी नई सरकार आएगी वो इन सारी समस्याओं के ऊपर काम करेगी, इन सारी परेशानियों को रिजॉल्व करेगी, सॉल्व करेगी। लेकिन चुनाव कराने के बजाय भारतीय जनता पार्टी ने एक नया सगुफा छोड़ा कि तीनों नगर निगम को एक करते हैं और एक करने के बाद अब कोई समस्या नहीं आएगी, अब कर्मचारियों को समय पे तनख्वाह मिलेगा, अब सारे जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, अब किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। और ऐसा लगा कि हर एक बीजेपी का व्यक्ति वो कह रहा था जी अब तो खुद मोदी जी ने ले लिया अपने हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, अब सारे कर्मचारियों को तनख्वाह मिलेगी, सारे के सारे लोगों को पेंशन मिलेंगे, जो भी उनकी पीएफ के फंड रुके हुए हैं उन सबको मिलेंगे। हमें भी लगा यार कि हम अपोजिशन में हैं तो थोड़ा देख लेते हैं, रादर देन बस क्रिटिसाइज करने के बजाय चलो थोड़ा सा रुक के देख लेते हैं कि भाई परेशानियां सॉल्व हो रही हैं नहीं हो रही हैं। लेकिन अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है, दिल्ली की जनता को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो किस हालात में जी रहे हैं। ईस्ट एमसीडी के अंदर जो अध्यापक हैं जिनकी जिम्मेदारी है बच्चों की ज़िंदगी को संवारना, बच्चों को आगे बढ़ाना, उनको 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। सफाई कर्मचारियों को 2 से 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। डॉक्टर्स को, माली को, बेलदार को, ऑफिस के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करते हैं सबको 5 से 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। यही हाल ईस्ट नॉर्थ एमसीडी का है, टीचर्स को 3 से 4 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, सफाई कर्मचारियों को लगभग 2 से 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, डॉक्टर्स को तनख्वाह नहीं मिली, बेलदार को तनख्वाह नहीं मिली, ऑफिस के अंदर काम करने वाले लोगों को तनख्वाह नहीं मिली, जेई को तनख्वाह नहीं मिली, एई को तनख्वाह नहीं मिली, ग्रुप ए बी सी डी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ईस्ट और नॉर्थ एमसीडी के अंदर उनका बुरा हाल हो रखा है और उनको तनख्वाह तक नहीं मिली 6 6 महीने से। आप ये सोचिए कि एक हफ्ते भी अगर लेट हो जाती है तनख्वाह तो हाथ पांव फूलने लग जाते हैं, लगता है यार रेंट कैसे देंगे, बच्चों की फीस कैसे देंगे, अब दूध कैसे आएगा, सब्जी कैसे आएगी, घर कैसे चलेगा। और यहाँ तो एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो 6 6 महीने से परेशान हैं, 6 6 महीने से उनकी स्थिति खराब हो चुकी है। मेरे भारतीय जनता पार्टी से एक रिक्वेस्ट है और एक प्रश्न है। पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि आपने पूरी दिल्ली के अंदर होर्डिंग और पोस्टर लगा के टीवी एफएम पर ऐड देके हर जगह ये लिख दिया था कि अब एमसीडी की सारी समस्याएं खत्म हो गई क्योंकि अब एमसीडी का एकीकरण हो गया, मोदी जी के अंदर में आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब सबको सारी समस्याएं खत्म हो गई। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये वादा किया था तो आप जल्द से जल्द तनख्वाह रिलीज करें। दूसरा मेरा एक प्रश्न है कि क्या ये भी 17 साल की तरह एक झूठा वादा था आपका? क्या भी ये आपने सिर्फ एक झूठ बोला था दिल्ली की जनता से, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है? सच्चाई तो ये है कि अब आपके पास 1 साल 6 महीने का समय और मिल गया है, जो थोड़ा बहुत एमसीडी में बचा है वो भी पूरी तरह से लूटने का। तो मेरी भारतीय जनता पार्टी से ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द कर्मचारियों की तनख्वाह आप रिलीज करें, और इस बार फिर भगवान के लिए, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, मुझे नहीं पता किसी भगवान में आप लोगों की आस्था है या नहीं है, हाथ जोड़कर आपकी विनती है कि दिल्ली सरकार वाला सगुफा फिर मत लेके आ जाना।
लोग सुन सुन के बोर हो गए, दिल्ली सरकार ने पैसे नहीं दिए, दिल्ली सरकार ने, जो ये रोना आपका लगा रहता है, इस सगुफे को भूल जाओ, क्योंकि इसमें कोई दम नहीं है ये झूठ बोलने के, और अपनी जिम्मेदारी लेके इन टीचर्स की तनख्वाह रिलीज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली नॉर्थ और ईस्ट में ज़्यादा है, साउथ में अभी एक मंथ का बैकलॉग है। कुछ नहीं होगा, पैसा कमाएंगे आप देखना, ये सारे लूट लेंगे, साउथ को भी लूट लेंगे जो बचा छूटता है थोड़ा सा, कुछ नहीं होने वाला। ये देखिए कमिश्नर वमिश्नर तो कठपुतली हैं, ये तो इनके बेचारों का क्या है, भारतीय जनता पार्टी सुबह एक व्हाट्सएप पे भेज देती है कि आज ये 10 काम करने, ये कमिश्नर वही 10 काम करते हैं, इनके बस की क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बैकडोर से सरकार चलाने का एक तरीका निकाला है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ, हालांकि आपका लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन हिंदुस्तान एक प्रजातांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक देश है, आप चुनाव कराइए, चुनाव करके दिल्ली की जनता जिसको भी चुनती है वो चलाएगी। अगर आपने 15-17 साल में अच्छे काम किए होंगे तो आपको मौका मिलेगा, अगर आपने अच्छे काम नहीं किए होंगे तो आपको दूसरी पार्टी को मौका मिलेगा, लेकिन चुनाव तो कराइए, लोकतांत्रिक व्यवस्था तो बनने दीजिए। देखिए उनका तो नौटंकी चलती रहती है, ठीक है, सच्चाई तो यह है कि वो किसी मुद्दे पे जवाब देने की स्थिति में नहीं है। मैं आदेश गुप्ता जी से पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें रातों को नींद कैसे आती है जब तुम्हारी एमसीडी के 6 महीने से टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिली है। मैं आदेश गुप्ता से पूछना चाहता हूँ कि बेलदार जिसको तो 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, उसको जब 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है तो तुमको कैसे नींद आती है। मैं आदेश गुप्ता जी से पूछना चाहता हूँ कि नींद कैसे आती है आपके पूरी की पूरी बीजेपी को, जब आपको ये पता चलता है कि आपके जेई को, आपके एई को, आपके माली को 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। और मेयर साहब लोग जो काउंसलर हैं, आपको भी सोचना चाहिए कि जिस जो प्यून आपको पानी पिलाता है आपके ऑफिस में जाने से पहले, वो जो आपका ऑफिस बना के चमचमा के रख देता है, उसके ऊपर आप लोग एक वाइट तौलिया भी सीट पे ऊपर रख लेते हो, उस प्यून को 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिलती है। अरे मुझे पता है कि दिल्ली में पानी की कमी है, लेकिन तुम लोगों ने गाद नहीं निकाली एमसीडी की, तो पानी कहीं ना कहीं रुक गई है, उसमें जाके डूब मरना चाहिए पूरी की पूरी बीजेपी को। आदेश गुप्ता को उस पानी में डूब मरना चाहिए, सारे के सारे बीजेपी लीडर्स को डूब मरना चाहिए। कोई एक पार्टी ऐसी है जो जिम्मेदारियों से भागती है तो मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी है। थैंक यू।